देखिए एक और पजल्स है, क्या का पजल्स है देखते हैं जरा, सिंपल और दो क्वेश्चन रिलेटेड है, दोनों को ध्यान से समझिएगा। ए स्टार बी, स्टार का मतलब क्या है वो देखिएगा, क्या होता है इसमें सिंबल्स दिए हुए हैं उनको समझ लें तो क्वेश्चन इजीली होगा। स्टार का मतलब है ए स्टार बी मीन्स ए एंड बी आर ऑफ द सेम एज, यानी ए की एज जो है वो ठीक बी की बराबर है, अगर स्टार लगा तो ए बी के बराबर है। ए माइनस बी का मतलब क्या दिया है देखिएगा, बी इज यंगर देन ए, यानी ए की एज ज्यादा है बी की एज कम है, बी इज यंगर देन ए, बी की एज कम है, यंगर मतलब छोटा। ए प्लस बी मीन्स बोला गया ए इज यंगर देन बी, यानी बी की एज ज्यादा होगी किससे, ए इज यंगर देन बी, तो यहां पर यंगर वाला कंसेप्ट हो गया। तो प्लस का मतलब हो गया कि ए बड़ा है, यहां पर भी ए बड़ा है, पर यहां पर आपको मतलब समझना है ए इज यंगर देन बी, ए यंगर है किससे, सॉरी ए इज यंगर देन बी मतलब हुआ कि ए छोटा है किससे, बी से। अब क्वेश्चन क्या है वो देखिए, जैसे ये बोला है सचिन स्टार मदन, ठीक है तो स्टार का मतलब है इक्वल, तो सचिन और मदन तो जो है वो इक्वल है। और माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है जो बाद वाला आ रहा है वो यंगर वो छोटा है, तो इसका मतलब रीना जो है वो छोटी है, यानी सचिन और मदन जो है वो बराबर एज के हैं और रीना उनसे छोटी है, तो रीना यंगेस्ट होगी, बिल्कुल हो सकती है रीना यंगेस्ट, रीना इज यंगेस्ट, रीना इज नो, मदन इज यंगेस्ट नो, मदन इज यंगेस्ट नो, तो इसका आंसर होगा रीना इज यंगेस्ट, क्योंकि माइनस का मतलब है देखिए ए बड़ा है किससे, बी से, तो यहां पर इस माइनस का मतलब हुआ कि मदन बड़ा है किससे, रीना से। अब इसमें अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से कि x प्लस वाई प्लस जेड इज सेम एज, यानी अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड को देखें तो ये किसके इक्वल है, तो x प्लस वाई का मतलब क्या हुआ पहले बताइए, प्लस का मतलब है जो बाद में है वो बड़ा है, यानी y बड़ा है यहां पर, और y से भी z बड़ा, यानी x y और z ये ऑर्डर है, यानी x सबसे यंगर है और z जो है वो सबसे बड़ा है। अब आपको देखना है कि ऐसा रिलेशन कहां पर आपको मिलेगा, ठीक है कौन सा रिलेशन होगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा। अब अगर आप सबसे पहले देखें तो z को सबसे बड़ा बताना है, तो माइनस जो है वो इस बात को बताता है, जैसे ये देखें जेड माइनस वाई, तो जेड माइनस वाई तो जेड जो है वो बड़ा है किससे, वाई से, और वाई माइनस एक्स तो वाई बड़ा है एक्स से, तो इसका मतलब एक्स, ये बिल्कुल सेम रिलेशन आ गया। मैंने जेड पहले क्यों लिया था, क्योंकि मुझे जेड को सबसे बड़ा लेना था, तो ये वाला तो लेना ही नहीं था, या तो ये लेता या वो, तो ये क्लियर हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ राइट दिस।